और इस बीच बात करेंगे एसआई भर्ती परीक्षा की। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं करने की मांग को लेकर लोगों ने धरना दिया है। अपनी फरियाद पहुंचाने के लिए कोहनी के सहारे मोती डूंगरी मंदिर पहुंचे हैं। ट्रेनी एसआई के परिजन और रिश्तेदारों ने अजीबोगरीब अंदाज में मंदिर पहुंचे और भगवान गणेश से परीक्षा रद्द नहीं करने की प्रार्थना की है। कहा जा रहा है कि सीएम के आने के बाद एसआई भर्ती परीक्षा पर फैसला होना है। के मुख्यमंत्री भजन लाल जी अभी विदेशी प्रवास पर गए हुए हैं। विदेश की धरती पर वह राजस्थान की जनता के लिए खुशहाली और समृद्धि को लाने के लिए गए हैं। मैं आज अपने सभी साथियों और अभिभावकों के साथ में ऐसा ही भर्ती को यथावत रखने के लिए मोती डूंगरी गणेश जी के चरणों में यह ज्ञापन देने आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी जब राजस्थान आए तो वह अपनी बुद्धिमता का परिचय देते हुए यह निर्णय लें कि राजस्थान की एसआई भर्ती 2021 को यथावत रखा जाता है और साथ ही इस भर्ती में जिसने भी गड़बड़ी की है और अपराध किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। इसलिए आज हम सब लोग मोती डूंगरी गणेश जी के यहाँ यह ज्ञापन उनके चरणों में समर्पित करने आए हैं। और इसी खबर पर सोमू आनंद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सोमू, जो क्लैश बनता हुआ नजर आ रहा है, एक तरफ भर्ती रद्द करने की मांग हो रही है, एक तरफ हो रहा है कि भर्ती रद्द ना हो, अब किस रूप में ये मामला आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए सरकार के लिए ये काफी द्वंद की है कि इस पर क्या कुछ आखिर फैसला किया जाए, क्योंकि एक धड़ा ऐसा है जो बहुत लंबे वक्त से मांग कर रहा है कि भर्ती रद्द की जाए। वहीं अब जो ट्रेनी एसआई के परिजन हैं वे भी सड़कों पर उतर चुके हैं, पिछले दिनों उन्होंने धरना दिया था, आज फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जाहिर है कि सरकार के लिए अब काफी मुश्किल स्थिति बन चुकी है। और जो कभी कैबिनेट सब कमेटी बनी थी, मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी थी, लेकिन उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने कोई रिकमेंडेशन नहीं की है। उन्होंने जितनी प्रैक्टिकल रिपोर्ट है वही गृह विभाग को सौंपी है और उस पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री को करना है। दोनों पक्षों की ओर से दबाव है और क्योंकि जो अभी तक ट्रेनी एसआई आरोपी बने हैं उनकी संख्या जो है वो उन लोगों की संख्या के मुकाबले कम है जो अभी इस पे संदेह के घेरे से भी बाहर हैं। यह भी एक चुनौती है। साथ ही साथ बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दूसरी सरकारी सेवाओं में थे उसको छोड़ करके यहाँ पर आए, तो कई तरह के सवाल हैं और इन्हीं सवालों को लेकर के सरकार जो है अभी द्वंद्व की स्थिति में है। अंतिम फैसला मुख्यमंत्री के लौटने के बाद होगा। देखने वाली बात है वो फैसला किसके पक्ष में जाता है, क्योंकि सोर्सेज हमारे कह रहे हैं सोमू आनंद की कमेटी के मेंबर ने माना है कि एसआई भर्ती परीक्षा में यहाँ पर धांधली हुई है, यानी गड़बड़ी हुई है। बहरहाल मुख्यमंत्री के आने का इंतजार हो रहा है। इस बीच शिक्षा मंत्री का कोई अब तक स्टेटमेंट सामने आया है इस पर? देखिए, ये दरअसल इसको पूरी तरह से गृह विभाग के तहत ये मामला आता है। गृह विभाग को इस पर फैसला करना है कि वो क्या करेगा। उसकी परीक्षा भी जो है वो पुलिस की परीक्षा उस तरह से कंडक्ट होती है। आरपीएससी ने ये परीक्षा कंडक्ट कराई थी। शिक्षा विभाग का इससे सीधे तौर पे कोई लेना देना है नहीं, इसलिए शिक्षा मंत्री का इस पर कोई बयान नहीं आया। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका।